जय हिंद जय हिंद जय हिंद, लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद। मैं विद्यालय की साहित्यिक कप्तान गुरप्रीत कौर प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी आप हमारे विद्यालय के निदेशिका महोदय श्रीमती कमल राय जी की ओजस्वी वाणी को सुन रहे थे। अभी एक बार फिर से हम निदेशिका महोदय की ओजस्वी वाणी को सुनेंगे और साथ में जय हिंद की जय ध्वनि करेंगे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। धन्यवाद निर्देशिका महोदय, एवं आप सभी का भी जय ध्वनि करने के लिए धन्यवाद। आज 3 मार्च दिन बुधवार है और बुधवार के दिन हम एक दूसरे का अभिवादन जय हिंद के माध्यम से करते हैं, तो आप सभी को बुधवार के दिवस की जय हिंद। अब समय है आज के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने का। इसके लिए हमारे साथ हैं विद्यालय के संस्कृत के अध्यापक आचार्य सुनील दत्त गौतम। जय हिंद सर। जय हिंद गुरप्रीत। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2077, शक संवत 1942, आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज का नक्षत्र स्वाति, आज का योग ध्रुव है। प्रविष्टि की यदि बात करें तो आज फाल्गुन माह के 20 प्रविष्टि घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह रजब की आज 18 तारीख है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब समय है आज के प्रातःकालीन प्रार्थना का, तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। ऑल क्लासेस बी रेडी फॉर गायत्री मंत्र। अब समय है राष्ट्र के उद्बोधन गीत का, तो आइए उद्बोधन गीत करते हैं।
सोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया ओम शांति 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 ओम। बी रेडी फॉर नेशनल एंथम। माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अब मैं कक्षा 12वीं ह्यूमैनिटीज की छात्रा अनु कश्यप से अनुरोध करती हूँ कि वह आज के ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी हमारे साथ साझा करें। जय हिंद अनु। नमस्ते, मैं अनु कश्यप सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल की कक्षा 12वीं कला की छात्रा हूँ। आज के ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर आज ही के दिन 1973 में हस्ताक्षर हुए थे। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में वन्य जीवों की सुरक्षा तथा वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि हमारी जैव विविधता बनी रहे और पर्यावरण संतुलित रहे। आज ही के दिन वर्ष 1839 में टाटा समूह के संस्थापक श्री जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम जमशेद जी नूरिसवान जी टाटा था। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेद जी का योगदान असाधारण महत्व रखता है। इन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया जब उस दिशा में केवल यूरोपीय अंग्रेज ही कुशल समझे जाते थे। इंग्लैंड की प्रथम यात्रा से लौटकर इन्होंने चिंचपोकली के एक तेल मिल को कताई बुनाई मिल में परिवर्तित कर औद्योगिक जीवन का सूत्रपात किया। देश के सफल औद्योगिकरण के लिए इन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना की महत्वपूर्ण योजना बनाई। ऐसे स्थानों की खोज की जहां लोहे की खदानों के साथ कोयले और पानी की सुविधा प्राप्त हो सके। अंततः आपने बिहार के जंगलों में सिंहभूमि जिले में इस्पात की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त स्थान खोज निकाला। इन विशाल योजनाओं को लागू करने के साथ ही आपने पर्यटकों की सुविधा के लिए मुंबई में ताजमहल होटल बनवाया, जो पूरे एशिया में अपने ढंग का अकेला है। टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म भी आज ही के दिन 1847 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। धन्यवाद। धन्यवाद अनु। अब मैं कक्षा 6 की छात्रा गीतांशी से अनुरोध करती हूँ कि वह आज का हिंदी का शब्द एवं वाक्य हमारे साथ साझा करें। जय हिंद गीतांशी। नमस्ते, मेरा नाम गीतांशी है। मैं कक्षा 6 ब की छात्रा हूँ। आज का शब्द है यथार्थ। यह विशेषण शब्द है जिसका अर्थ है जो अपने अर्थ के ठीक अनुरूप हो, वास्तविक। इसके पर्यायवाची है सत्य, वास्तविक, असली, सच्चा, सही। आज का वाक्य है, किसी भी शब्द के प्रयोग से पूर्व हमें उसके यथार्थ स्वरूप को जान लेना अति आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद गीतांशी। अब समय है आज के जन्मदिन वाले बच्चों को शुभकामनाएं देने का।
आज जिनका जन्मदिन है वह हैं समर बग्गा कक्षा पाँचवीं अ, प्रतीक रोहिला कक्षा छठी अ, अनु कक्षा आठवीं ब। तो आइए इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियां सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियां सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम कल फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद।